इस गांव का नाम है प्रीतम नगर, जहां चारों तरफ लहलहाती फसलें, खेतों में हरियाली और लोगों का आपस में प्यार देखने लायक था। मंदिरों में बजते हुए घंटे और घड़ियाल की आवाज मानो जैसे किसी तीर्थ स्थान की याद दिलाती हो। लेकिन कहा जाता है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक वैसे ही है प्रीतम नगर के सेठ जी, सेठ रामदास। वैसे तो इनका नाम रामदास है, पर भगवान पर इनका जरा भी विश्वास नहीं था। वो इतना धनवान था कि बड़ी आसानी से पूरे गांव की मदद कर सकता था, लेकिन नहीं, वो तो इस गांव पर राज करने के लिए बस अपनी ही मनमानी किया करता था। वो गांव के लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था, और अगर कोई समय पर पैसे वापस नहीं करता था तो वो उसके पूरे परिवार को बंदी बनाकर अपने घर में नौकरों की तरह काम करवाया करता था। वो इतना निर्दयी था कि अपने खेतों में बैलों की जगह इंसानों को बांधकर उनसे हल चलवाया करता था। उसकी इन हरकतों से सभी गांव वाले परेशान थे, लेकिन करें भी तो क्या करें और जाएं भी तो कहां। उनका आखिरी सहारा भी तो सेठ रामदास ही था। इसी गांव में विष्णु और गंगा नाम के पति पत्नी रहते थे। बीते कुछ दिनों से वो दोनों बहुत परेशान थे। घर में खाने को एक दाना तक नहीं था। घर में खाने को एक दाना तक नहीं है, इस तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा ना जी। कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, और खेतों में बुआई का समय भी निकला जा रहा है। इस तरह से तो हम भूखे मर जाएंगे। क्या करें भाग्यवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो बस एक ही सहारा बचा है, सेठ रामदास। वो तो इंसान के नाम पर कलंक है, दुष्ट राक्षस, उसका तो पेट ही नहीं भरता। मैं तो कहता हूँ भाग्यवान, तुम भी साथ चलो, शायद तुम्हारी ये दशा देखकर उसे कुछ दया आ जाए। हाँ, अभी तो बस एक यही हल रह गया है। दोनों पति पत्नी ना चाहते हुए भी सेठ रामदास के घर चले जाते हैं। सेठ के घर पहुंचकर वहाँ का नजारा देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। चलो जी, वापस चलते हैं, इससे तो अच्छा है कि हम भूखे ही मर जाएं। अरे डरो नहीं, चलो अंदर चलकर देखते हैं। अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हो तुम दोनों? वो हमें सेठ जी से मिलना है, हम इसी गांव से हैं। ठीक है, चलो दोनों मेरे साथ अंदर। नौकर उनको लेकर सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, ये दोनों आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैंने अंदर ले आया। बोलो क्या चाहते हो, प्रभु स्वयं तुम्हारे सामने है। सेठ जी, मेरी पत्नी गर्भवती है और घर में एक पैसा भी नहीं है, और बुवाई का समय भी निकला जा रहा है। सेठ जी, अगर आप हमें 20,000 रुपया दे दें उधारी, तो आपका बहुत उपकार होगा हम गरीबों पर। उधार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर समय पर मेरा पैसा वापस नहीं किया तो वो सामने देख रहे हो ना तुम दोनों को भी इसी तरह बैलों की जगह पर हल चलाना होगा। सेठ जी, हम पैसा समय पर लौटा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है मुंशी जी, दे दीजिए इन्हें पैसे। और हाँ, चिंता हम नहीं करते, चिंता तो अब तुम करना। जी सेठ जी। विष्णु और उसकी पत्नी सेठ जी से पैसे लेकर घर आ जाते हैं। पैसे हाथ आते ही विष्णु और ज्यादा मेहनत करके खेती करने लगा। वो खेती के साथ साथ अपनी पत्नी का भी ध्यान रखता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान की खुशी में वो दोनों भूल ही गए थे कि उन्हें सेठ रामदास से लिए हुए पैसे भी वापस करने हैं। मुझे तो एक सुंदर सी बिटिया चाहिए। लेकिन हमें तो हमारा राजकुमार चाहिए। इनकी प्यार भरी बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? आराम से भाई, अभी आता हूँ। भाई कुछ है, तुम दोनों को सेठ जी ने बुलाया है, अभी चलो। मुंशी के साथ खड़े भारी भरकम आदमी को देखकर विष्णु और उसकी पत्नी के मानो होश ही उड़ गए। जी ठीक है भाई, हम अभी आते हैं। तुम दोनों अभी चलो, और सेठ जी के साथ ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो। नहीं नहीं, हम अभी आपके साथ ही चल रहे हैं, चलो गंगा।
विष्णु और उसकी गर्भवती पत्नी को सेठ जी के सामने लाया जाता है। विष्णु, तुम दोनों ने समय बीत जाने पर भी अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए। सेठ जी, हम जल्द ही आपकी पाई पाई वापस लौटा देंगे, बस हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए। हमारे यहाँ बस एक ही उसूल है, ले जाओ इन दोनों को और खेतों में हल के साथ जोत दो। नहीं नहीं सेठ जी, हम पर दया कीजिए। सेठ जी, मुझे ना सही, कम से कम मेरी गर्भवती पत्नी को तो छोड़ दीजिए। सेठ जी, वो पेट से है, वो माँ बनने वाली है। ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, ले जाओ इन दोनों को। विष्णु के बार बार विनती करने पर भी सेठ नहीं माना। विष्णु और उसकी पत्नी को हल में जोत दिया गया। एक तरफ जहां सेठ रामदास की बेरहमी और अत्याचार से प्रीतम नगर की जनता त्राही त्राही करने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ अब चारों ओर नगर में सूखा पड़ जाने से अकाल की स्थिति आ गई थी। अरे भाई, अब क्या होगा हमारे परिवार का, कहां से लाएं अन्न का दाना। अब तो लगता है भूखे ही मरेंगे हम सब। पता नहीं हमारे गांव पर किसकी बुरी नजर पड़ गई है। तभी गांव के उसी रास्ते से एक साधु महाराज गुजर रहे होते हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो वत्स, हमें भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा। क्षमा करें साधु महाराज, हमारे गांव में सूखा पड़ गया है, सभी लोग भूख से मर रहे हैं। तो क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा बेटा। महाराज, बस एक ही जगह है, सेठ रामदास, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है। हम तो फकीर हैं बेटा, हमारे लिए सभी एक समान है, तुम्हारा कल्याण हो। उधर सेठ रामदास विष्णु और उसकी पत्नी को हल जोतते देख बहुत खुश हो रहा था। सरकार, पूरे गांव में सूखा पड़ गया है, सभी लोग भूखे मर रहे हैं। फिर तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अब सभी लोग हमारे गुलाम होंगे। तभी एक लंबे चौड़े पहरेदार के साथ साधु महाराज वहां आते हैं। तुम्हारा कल्याण हो बेटा, इस भूखे साधु को कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली है साधु महाराज, जो सबको भोजन करवाते फिरे, जाइए यहाँ से। हम तो फकीर हैं बेटा, चले जाएंगे, लेकिन याद रखना, तुम जो अत्याचार कर रहे हो ना, यही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। बाबा, हमारी रक्षा करें बाबा। परमात्मा को याद करो बच्चा, हम सब की रक्षा करने वाला वही है, सुख हो या दुख, सब उसी की माया है। दर्द से चिल्लाती हुई गंगा चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और सभी औरतें उसे जल्दी से उठाकर घर ले जाती हैं। और कुछ देर बाद कमरे के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। अरे विष्णु, तुम बाप बन गए हो, वो भी एक नहीं, तीन तीन बेटे हुए हैं। जय श्री हरि, सब हरि की ही माया है। गांव की औरतें उन तीनों बच्चों को साधु महाराज के पास लाती हैं। उन तीनों के माथे पर चमकता हुआ तेज देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई साधारण बालक हैं। महाराज, आप आशीर्वाद दें। इन सभी बच्चों का कल्याण हो। सभी लोग काम छोड़कर बच्चों को देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। अब तो सेठ के सब्र का बांध टूट गया था, वो तुरंत तीनों बच्चों के पास जाने लगता है। इन बच्चों को मुझे दो और तुम सब जाकर अपना काम करो। सेठ जैसे ही बच्चों को लेने के लिए आगे बढ़ता है, उन तीनों के माथे का तेज देखकर सेठ की आंखें चौंधिया जाती हैं। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। ओह नहीं, ये मेरी आंखों को क्या हो गया। हमें क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। रामदास, केवल नाम रख लेने से कोई राम नहीं बन जाता है, हमें हमारे सभी कर्मों का हिसाब किताब यही मिलता है। क्षमा तो तुम विष्णु और उसकी पत्नी से मांगो, इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। मुझे माफ कर दो विष्णु, और मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ, अब से मैं किसी पर कोई अत्याचार नहीं करूँगा। सेठ जी की आंखें ठीक हो जाती हैं। उन्होंने सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया और गरीबों के लिए धर्मशाला भी बनवाई, जहां उन सबको भोजन कराया जाने लगा।